time. Jason Roy. Good catch from Miller there. That one absolutely plumb in front. Very first ball. Assalamualaikum friends, आज हम आपका तारुफ एक ऐसे खिलाड़ी से कराते हैं जिसने आते ही PSL में धूम मचा दी और उस खिलाड़ी का नाम है एहसानुल्लाह खान। एहसानुल्लाह खान का ताल्लुक जिला सवात की तहसील मट्टा के एक गाँव से है और ये इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। क्रिकेट खेलने से पहले ये 150 रुपये फी योमिया मजदूरी भी करते रहे और क्रिकेट का ये उभरता हुआ खिलाड़ी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के क्रिकेट के लिए खतरनाक खिलाड़ी बन के उभरेगा। शुरू में इनको क्रिकेट खेलने में इनके वालिद ने काफ़ी रोका लेकिन इनके मामू ने इनको भरपूर सपोर्ट किया और ये अंडर 16 और अंडर 19 की पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा रहे। उसके बाद आकिब जावेद के टैलेंट हंट प्रोग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया, वहाँ से ये सेलेक्ट हुए और ये इन्होंने नेशनल अकेडमी में भी तरबियत हासिल की। एहसानुल्लाह खान ने बहुत मेहनत की है और पाकिस्तान के एक बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। साल 2022 में जो PSL ऑक्शन हुए वहाँ पे एहसानुल्लाह खान ने मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए जगह बनाई और उसके बाद इन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया और वो उसके भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और नेशनल वनडे कप में एहसानुल्लाह खान सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और हालिया PSL में तो इन्होंने एक धूम मचा दी है। क्वेटा के खिलाफ इन्होंने 5 आउट करके दुनिया के क्रिकेट पर अपनी धाक बिठा दी और इंडियन मीडिया भी चिल्ला उठा के पाकिस्तान में इस तरह के बॉलर किस तरह पैदा होते हैं जबकि इंडिया में एवरेज बॉलिंग 130-135 है जबकि ये 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बात करते हैं। हमारी तमाम तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात इस उभरते हुए खिलाड़ी के साथ हैं। वस्सलाम।